Hello friends, welcome on my YouTube channel Success Key and myself Ravina Bishnoi. We are discussing in this whole course about MPPSC 2019 prelims test series. Okay, you can also follow me on Unacademy. I have made different courses, mere dwara banaye gaye Unacademy pe different courses hain in economics, geography, that is chemistry aur current affairs pe bhi courses hain, to aap wahan se mujhe follow kar sakte hain. Friends, जो जो भी मुझे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ सक्सेस की जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपको फोर कीज़ टू अनलॉक द प्रीलिम्स लॉक. तो ये फोर की कौन सी हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ कि दिस इज़ अ शेड्यूल ऑफ द एग्ज़ाम. हमने 3 महीनों के अंदर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, विद हमने रिवीजन भी करनी है. तो इसके लिए हम यहाँ पे जनरेट करते हैं 4 टेस्ट जो हमारे वीक में होते हैं. एक टेस्ट करंट अफेयर्स से, जिसमें पूरे करंट अफेयर्स होंगे 2018 के कंप्लीट, एंड फुल लेंथ टेस्ट होगा जो आज जैसे कि संडे है, संडे को हो रहा है. 2 जो टेस्ट होते हैं इसमें स्टैटिक सिलेबस से होते हैं जो मंडे थर्सडे को होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से में मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाता है, 1-2 क्वेश्चन को दिखाया जाता है, पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्शन देने, इंट्रोडक्शन, पूरा बॉडी और कंक्लूजन कैसे निकालना आपने. ठीक है, यहाँ पे आपको प्री प्लान्ड पहले सिलेबस दे दिया जाता है, उसके बाद में ही आपका टेस्ट लिया जाता है. तो यहाँ पे जो हमने बुक लिस्ट कवर करी है, जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमें पढ़ना ज़रूरी है, वो है एनसीईआरटी की किताबें और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, लाइक रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, जी सी लियोंग फॉर ज्योग्राफी, शंकर आईएएस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, और करंट अफेयर्स. जो फ्रेंड हमारे इसके अंदर एक करंट अफेयर्स का जो टेस्ट होता है, उसमें सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड होते हैं, फ्रॉम हिंदू, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र एंड साइंस रिपोर्टर से लूसेंट, जो हमारी गीता मानी जाती है एमपी की, तो एमपी पीएससी के, तो उसको पूरा हमने अच्छी तरह से डीपली पढ़ेंगे यहाँ पे, और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके. और एमपी को आपको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आज एमपी का भी इसके अंदर इंक्लूडेड है टेस्ट के अंदर. तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी आप मेरा कोई भी लेसन नया डाला जाए. तो ठीक है, हमने जो अभी तक डिफरेंट टेस्ट जो है, 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं हमारे इस वीक के पूरे कंप्लीट, आज ही हमारा लास्ट टेस्ट है वीक का. और जो अभी हो चुके हैं, किसी को बॉदर होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाइए, सिलेबस पढ़िए और अपने आंसर लगा लीजिए. ठीक है, ये जो हमारा सिलेबस है पेपर वन में, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री हम कवर अप कर चुके हैं विद दिस एनसीईआरटी बुक्स एंड विद लूसेंट सोर्स, जिसमें इंडस वैदिक लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट है सिलेबस हुआ पेपर टू के अंदर हमने पॉलिटी करी थी एनसीईआरटी की बुक से, 6 और 7 की सिलेबस फॉर पेपर 3 जिसमें हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं जनवरी 1 से लेकर 15 तक. और जो हमारा आज का टेस्ट है वो है हमारा फुल लेंथ टेस्ट पूरे प्रीलिम्स के पैटर्न के हिसाब से, जिसके अंदर अबाद के अंदर पूरा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ 25 क्वेश्चन जो हैं एम पी जी के से, जिसमें आज हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ एम पी के बारे में, जिसमें एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री जो थी एम पी की आपको पढ़ के आनी थी. आई थिंक आपने आज का टेस्ट प्रिपेयर कर लिया है, एम पी आपने पढ़ लिया होगा फॉर दिस हिस्ट्री ऑफ एम पी, और आप फुल लेंथ के लिए प्रिपेयर भी होंगे. इट्स डोंट माइंड फ्रेंड अगर आज आपके नंबर कम आते हैं, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग, आपने अभी प्रिपरेशन अपनी शुरू, मीन्स पहले से आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं इतना टाइम हो गया एमपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फेब में नियर अबाउट एग्जाम हमारे होते हैं, तो अराउंड आपके 50-60 तो बनने चाहिए इस पेपर में. अगर नहीं बन रहे हैं तो डोंट बी वरी अबाउट दैट, आप रेगुलर ये टेस्ट मेरे साथ प्रिपरेशन करते जाइए. लास्ट में जो हम हैं ये जब अपना शेड्यूल पूरा कर लेंगे, उसके बाद में आपके 20 जो फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे, जो हमारे करंट इवेंट जो होते हैं, जिसमें पूरा करंट इंक्लूड होता है, जो हमारे डिफरेंट बुकलेट्स आती हैं उनमें से हम लेंगे 20 टेस्ट, जो हमारे अच्छे अच्छे पेपर पुनेकर अरिहंत जो निकालते हैं, वही सैंपल पेपर्स यहाँ पे लिए जाएंगे, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लगाएंगे. 20 से पूछे पूरी डिस्कशन होगी, तो उसमें आपका जो कवर अप है उनके अंदर जो आपका मार्क्स है उसमें गेन होना शुरू हो जाएंगे, अगर आप ये पूरा 3 महीने का पूरा जो कोर्स है मेरे साथ वैसे की वैसे ही रिवाइज या स्टडी करते हैं तो. ठीक है, तो दिस इज़ द फुल लेंथ टेस्ट. ट्राई टू सोल्व ऑल द क्वेश्चन एज यूर सेल्फ, अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के थोड़ा सोच के करने की कोशिश कीजिएगा, सीधे आंसर मत देखना. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट, जितना एफर्ट डालेंगे तो पेपर में ज़रूर निकल जाएंगे, नो डाउट, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फुल लेंथ, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑफ द कोजेज ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन. जो हमने पढ़ा था, हमने एंशियंट इसमें कंप्लीट कर लिया अपने फर्स्ट टेस्ट में, तो हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि हड़प्पन डिक्लाइन होने का कौन सा कोज नहीं था, तो इकोलॉजिकल चेंज, हाइड्रोलॉजिकल चेंज, आयरन अटैक या अर्थक्वेक्स.
तो फ्रेंड अर्थक्वेक एक कोज हो सकता था, क्योंकि अर्थक्वेक आने से हमें देखते हैं कि बिल्डिंगें ढह जाती हैं, सब कुछ इतना नुकसान होता है। बट जो अर्थक्वेक का कोई जो कोज है, यहाँ पे किसी ने भी, ऑथर वगैरह ने, किसी ने भी यहाँ पे हमें कुछ ऐसा साइट नहीं हुआ है कि अर्थक्वेक की वजह से कोई रीज़न हमें दिखाई देता है, ठीक है। बट ये जो रीज़न है, आर्यन इन्वेजन आए थे, ये भी बहुतों ने ये लिखा है ऑथर्स ने, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हुआ था, फ्लड्स वगैरह ये सब कुछ आए थे, तो हाइड्रोलॉजिकल चेंज मतलब कि फ्लड्स आना, ठीक है, बाढ़ आना, हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस मतलब बाढ़ आना, नदियों का बहाव बढ़ जाना या नदियों ने अपना रुख बदल लेना, जैसे बोला जाता है कि नदी ने अपना रुख बदल लिया था तो घग्गर नदी नीचे सबमर्ज हो गई थी, तो ये चेंजेस माने जाते हैं जिनकी वजह से लोगों का वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था, उन्होंने अपना कोर्स चेंज कर लिया। पहले वो इंडस के पास रहते थे, फिर कहाँ पे आ गए, वो गंगा वैली की साइड में आ गए। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ उपानयन इज फाउंड इन द, जो उपानयन जो संस्कार होता है उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो किस में दिया गया है, ब्राह्मण, तत्रया ब्राह्मण, और ये है तंडा जमन मोहा ब्राह्मण और शतपथा ब्राह्मण। तो हमने फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया था, तो ये है हमारा शतपथ ब्राह्मण के अंदर, जिसके अंदर पूरा अच्छे से बताया गया है कि वैदिक जो रिचुअल्स जो हम वैदिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं वो कैसे करने चाहिए, उसको डिस्क्राइब किया गया है, उनके पीछे कौन सी मिथोलॉजी है, शुक्ल यजुर्वेद के साथ जो मिथोलॉजी है उनको बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि कैसे हवन यज्ञ सामग्री, कैसे यज्ञ कुंड बनाना है, कैसे सारे प्रोजेक्ट, कैसे हमने वो चीज़ें उसके अंदर हवन के अंदर आहुति दे दी हैं, कैसे मंत्र बोलने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड आर्ग्यूड मैन इज सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ नेचर, तो किसने ये जो कर्म की फिलॉसफी की जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये जो फिलॉसफी किसने नहीं बताई, मतलब इसको इन्होंने नहीं समझाया कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, मतलब ये तो लॉज ऑफ नेचर है, मतलब ये तो हमारे जो ये जो हम कहते हैं ना हमारे ग्रह नक्षत्र, ये हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल से हमारे साथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जैसा कर्म करेंगे वैसा, ये किसने बोला था, तो ये फ्रेंड्स आजीविका सेक्ट वालों ने बोला था, ये जिसने 5th century BC के अंदर इनकी फिलॉसफी आई थी मक्खली घोषाल के द्वारा, ठीक है। आजीविका अगर पूछे इसके फाउंडर कौन थे तो मक्खली घोषाल थे, इन्होंने बोला कि सब कुछ नहीं होता, ये हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल की वजह से होता है, और इन्होंने ये थ्योरी ऑफ जो वेदा की जो थ्योरीज की उनको रिजेक्ट किया था, बस इन्होंने ये बिलीव किया कि आत्मा होती है, आत्मा के फिलॉसफी को इन्होंने इंक्लूड किया था। हेमू द हिंदू जर्नल हु लेड टू अफगान फोर्सेस अगेंस्ट द मुगल इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज अ जर्नल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सन रूलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेमू था, जैसा आपको पता होगा सभी को कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उनके अंदर जो हेमू ने जो लड़ाई करी थी अकबर के साथ, तो उसके अंदर वो कौन सी डायनेस्टी से, मतलब किसका वो जर्नल था, मतलब जिसके एवज में वो लड़ाई कर रहा था, तो कौन सा जर्नल था मुगल रूलर जो वहाँ पे रूल कर रहा था, वो कौन था, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, जो 1554 से 1555 तक इसने रूल किया, ये चौथा रूलर था सुर डायनेस्टी का, ठीक है। तो ये सुर डायनेस्टी का चौथा रूलर था, तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सी है, मिडिवल अफगान डायनेस्टी है, नॉर्थ इंडिया की, अफगान डायनेस्टी से बिलोंग करता है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज इन मनसबदारी सिस्टम व्हाट डिड द सवार रैंक इंडिकेट, मनसबदारी सिस्टम सभी को पता होगा क्या होती है, मनसबदारी सिस्टम किसके पीरियड के अंदर आई थी, मनसबदारी सिस्टम कौन लेके आया था, इसके मनसबदारी अकबर लेके आया था, अकबर ने ये लेके आया था, इसने क्या बोला था कि रैंक ऑफ जात और सवार को ये इन्होंने इंक्लूड किया था कि रैंक ऑफ जात और सवार। अब ये जात और सवार क्या होते हैं, जो मनसबदारी को मेंटेन करने के लिए जितने सोल्जर्स होते हैं उनको रैंक दिया जाता है जात और सवार, ठीक है, सोल्जर्स को रैंक दिया जाता है जात, और रैंक ऑफ सवार होता है कि उसके अंडर नंबर ऑफ कैवेलरी मैन, उसके साथ कितने कैवेलरी मैन उसके साथ में होंगे, तो वो होता है उसकी सवार, ठीक है। सोल्जर को रैंक दिया जाता था जात, और सवार होते थे मतलब उसके साथ कितने कैवेलरी मैन है, ठीक है। द सो इट इज इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवेलरी मैन अ मनसबदार वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन फॉर द सर्विस ऑफ द स्टेट, मतलब उसको राज्य की सुरक्षा करने के लिए कितने कैवेलरी मैन उसके साथ उसकी हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, अब इसमें से किस की वजह से इसने ये बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए, मतलब जो माइनॉरिटी होती है, जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास है SC ST वगैरह, तो उनके लिए इन्होंने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा आया था, मैकडोनल्ड अवार्ड के बाद में, और ये मैकडोनल्ड अवार्ड आया कब था, ये आया था फ्रेंड 16 अगस्त 1932 के अंदर, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद में आता है एम जी रनाडे वॉज द मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। एम जी रनाडे का संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से था? इंडिया लीग, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। तो इट्स वेरी सिंपल, प्रार्थना समाज से इनका लिंक था। जिन्हें जिन्होंने प्रार्थना समाज किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। और इसकी सहायता किसकी किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी 1867 के अंदर। कब बना था? 1867 ने, ठीक है। और पर इसके अंदर सारी जो इनिशिएटिव ज़्यादा इसके अंदर जो फ़ायदा किसने वजह से हुआ था? एम जी रनाडे जब जुड़े थे इसके साथ तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स इसके साथ आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु थ्रू द बम एट द कैरेज दैट दे बिलीव वाज ऑक्यूपेसिडली किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर। अब किसने एक मतलब कि जो कैरेज जो गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर बम डाल दिया था। उन्होंने सोचा कि इसमें किंग्सफोर्ड होंगे जो मतलब मुजफ्फरपुर के एक जज थे, वो बहुत अनपॉपुलर थे, बहुत ख़राब थे, और उन्होंने इसके ऊपर बम डाल दिया था। बट वो नहीं थे इसमें, कोई और ही था, ठीक है। कौन थे? द आंसर इज खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने उसके ऊपर बम डाला था, ठीक है। कब डाला था ये? 1908 के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ था? प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी थी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। द नाइन्थ क्वेश्चन इज वी हैव नाउ एन ओपन कॉन्स्पिरेसी टू फ्री दिस कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल एंड यू माई कॉमरेड्स एंड आल माई कंट्रीमैन एंड कंट्री वुमेन आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन इट। अब ये किसने बोला था कि हमें खुला षड्यंत्र रच सकते हैं इस फॉरेन रूल के खिलाफ में और आप सभी इन्वाइटेड हैं मुझे ज्वाइन करने के लिए? तो ये किसने बोला था? ये बोला था फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब बोला था? ये बोला था कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, जब वो प्रेसिडेंट बने चुने गए थे, वहां पे इन्होंने बोला था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डाटा बुक, और जिसे रेड लिस्ट भी बोलते हैं, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है रेड लिस्ट? वो बनाती है IUCN, ठीक है। अब ये IUCN क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करती है? कंजर्व करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो मतलब बर्ड्स या क्रिएचर्स जो होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, या बायोस्फीयर जो बर्ड्स और एनिमल्स इंसेक्ट्स की प्रजाति होती है, इनको ये कंजर्व करने के लिए होते हैं कि ये खत्म ना हो जाए हमारी धरती से। नेक्स्ट होता है व्हाट इज ट्रू फॉर ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के लिए कौन सी बात सही है? प्राइमरी कंज्यूमर आर द लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, या प्रोड्यूसर आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। द आंसर इज प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी जो कंज्यूमर है उनसे ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे कि आप सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर घास को चरने वाले जैसे कोई भी आप ले लें कि रैबिट है या जो और भी हमारे जो एनिमल्स हैं जो घास को चरते हैं, तो घास बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से, ठीक है। और इन्हें डिफाइंड किया जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है ये बायोस्फीयर की, और ये फूड चेन और केमिकल साइकिल्स ये बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इनको तीन प्राइम आपको पता होगा कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तीन होते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम उसके ऊपर कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं जो जो अपना फूड को कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ डेड प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के ऊपर, उनके ऑर्गेनिक मटीरियल को ये कंज्यूम करते हैं, दैट इज डिकम्पोजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ DDT डिकम्पोजिशन इन इट्स बॉडी। अब DDT की जो हमारे यहाँ पे एक जो DDT डाली जाती है इसको ये किसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगी, तो DDT का लेवल जो होता है ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर मिलेगा? तो ये फ्रेंड्स ये जो फार्मूला ये जो बात उठ के आती है ये होती है बायो मैग्निफिकेशन, जिससे कि क्या होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है कंपाउंड की जैसे जैसे उसका जो फूड चेन में लेवल बढ़ता जाता है। मान लीजिए कि पानी के अंदर अगर जो हमने डाला तो पानी से फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन, फिर इंसेक्ट और फिश और बड़ी फिश, तो बड़ी फिश में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा होगा वाटर में कम। जैसे पानी जो है अगर उसमें कोई चीज़ DDT अगर अपने ये इंसेक्टिसाइड वगैरह हमने डाला है तो वो पूरे पानी में फैल जाएगा, तो वो एक जगह पे तो कम होगा ना, उसको फिर जो फिशें खाएंगी उनमें फिर बायो मैग्निफिकेशन से उसमें लास्ट वाली जो लास्ट फिश उसमें सबसे ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे जो सीगुल है ये लास्ट लेवल ऑफ अ चेन है, तो यहाँ पे सीगल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इज 17
17 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम इंडस वैली, कौन सी रेंज जो है कश्मीर वैली को इंडस वैली से अलग करती है। द आंसर इज ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज इसको अलग करती है। आपको पता होगा कि ग्रेट हिमालयन रेंज की अगर एवरेज हाइट पूछे तो ये 6000 मीटर है। इसी के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स होती हैं जैसे कंचनजंगा, नंदा देवी और ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो याद रखना होगा कि इसको कौन सी रेंज अलग करती है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर प्रीडोमिनेंटली सीजनल विंड, किसे सीजनल मतलब सीजन जो एक सीजन के अंदर आती हैं उन वो विंड्स किसे बोला जाता है, डिप्रेशनल विंड, प्रिवेंटिंग विंड्स, मॉनसूनल विंड या डिसेंडिंग विंड। तो मॉनसूनल विंड जो होती है फ्रेंड ये सीजनल विंड है। जैसे मॉनसून जो हमारा आता है कब आता है, गर्मियों के मौसम में आता है, जून जुलाई के अंदर आता है। तो ये हमारे कहाँ पे आता है, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट से समर के अंदर आता है और फिर हैवी रेन्स करता है। और फिर ये सर्दियों में कब आता है, ये नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं आती हैं और वो विंटर रेन्स करती हैं कहाँ पे, साउथ इंडिया वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डोमिनेंट ऑन सेवरल फैक्टर, जैसे कि किसी भी क्षेत्र का अगर हम जो क्लाइमेट देखें वहाँ का वेदर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम अ सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड, लैटिट्यूड या ओशियन करंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे इम्पैक्ट करता है हमारे मतलब जगह का कैसा वेदर है, कैसा क्लाइमेट है, तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हम कौन से लैटिट्यूड पे रह रहे हैं। क्या हम पोल्स के पास रह रहे हैं, क्या हम इक्वेटर के पास रह रहे हैं, क्या हम 30 डिग्री पे क्या रह रहे हैं, क्या हम 40 डिग्री। हमने देखा था कि कैसे कैसे अलग अलग लैटिट्यूड्स के ऊपर अलग अलग जो होता है टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे पोल्स बहुत ठंडे, इक्वेटर गर्म है, इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाते हैं वैसे ठंडक बढ़ती जाती है। तो लैटिट्यूड सबसे बड़ा इसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम दी, ये तो लोकल है, जैसे कि हमारा नीचे जो साउथ इंडियन की जो स्टेट है वो सी के पास में, तो वहाँ पे वैसे ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये लोकल कंसेप्ट है, ना कि मतलब ये हर जगह ऐसा होगा ही होगा, ये लोकल कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्लीट। अब स्लीट क्या होती है, ये क्या होती है, एक फ्रोजन रेन ड्रॉप होती है एंड री फ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर होती है, ठीक है। तो इसका यही आंसर है कि इट्स फ्रोजन रेन ड्रॉप एंड री फ्रोजन मेल्टेड स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द हाइएस्ट लेवल ऑफ डीडीटी डिकम्पोजिशन इन इट्स बॉडी, सीगुल विथ कर लिए सॉरी, इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर फ्रॉम द इको सिस्टम द फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज, अगर हम बिल्कुल ही जो डिकम्पोजर हैं उनको इको सिस्टम से हटा दें। जैसे हमने डिकम्पोजर्स पढ़े थे कि ये क्या करते हैं, फूड अपना फूड अपने फूड प्रोडक्ट्स कहाँ से लेते हैं, ऑर्गेनिक मटीरियल से लेते हैं, ऑफ डेड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जो ऑर्गेनिक मटीरियल जो डेड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है वहाँ से अपना फूड मॉलिक्यूल्स ये लेते हैं। अगर इनको पूरा ही हटा दें फूड चेन से तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारी यहाँ पे जो मिनरल मूवमेंट है वो बिल्कुल ही रुक जाएगी। यहाँ पे द रिलीज ऑफ जो मिनरल, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स के अंदर जो मिनरल्स अंदर दबे होते हैं उनके, क्योंकि इन्हें मिनरलाइजर्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं डिकम्पोजर, ये इन्हें बोला जाता है एपोट्रॉप्स, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स को, एपोट्रॉप्स बोला जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं। क्या कैसे डिकम्पोज करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम अपने बॉडी में से बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से इन्हें मिनरलाइजर बोला जाता है। इन एंजाइम्स की वजह से जो मिनरल्स ट्रैप्ड होते हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स के अंदर वो रिलीज होना शुरू होते हैं। तो अगर वो रिलीज नहीं होंगे तो देर इज वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, मिनरल्स ही क्या कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन साउथ वेस्ट मॉनसून रिट्रीट इन दिसंबर इट इज कॉल्ड इन इंडिया बाय विच वन ऑफ फॉलोइंग द नेम। अब ये बिल्कुल आसान सवाल है यहाँ पे कि साउथ वेस्ट मानसून जो दिसंबर में रिट्रीट होने उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो हम देखते हैं कि तमिलनाडु वाले एरिया के अंदर बारिश करवाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो बेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया में है वो कौन सी है, पानीपत ऑयल रिफाइनरी, जो कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी, इसकी 15 MMT पर ईयर की कैपेसिटी है और इसे मोस्ट मॉडर्न रिफाइनरी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता होगा जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है, एक जगह पे खेत काट दिए जाते हैं दूसरी जगह पे फिर उस पे उगाते हैं, फिर वहां से जब प्रोड्यूस हमें मिलने कम हो जाते हैं दूसरी जगह हम उसको पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर मेन फीचर क्या होता है, मींस रोटेशन ऑफ क्रॉप, क्या हम क्रॉप का रोटेशन कर रहे हैं, क्या हम फील्ड्स का रोटेशन कर रहे हैं, क्या हम सिंगल क्रॉपिंग कर रहे हैं या फिर हम
बहुत सारे फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो ये फर्टिलाइजर वाला तो मुद्दा बिल्कुल ही गलत हो गया। द आंसर इज रोटेशन ऑफ फील्ड, बिल्कुल सही कि हम यहाँ पे रोटेशन करते हैं फील्ड की, पहले एक जगह पे काटते हैं वहाँ पे करते हैं, फिर वहाँ पे जब हमें जो प्रोड्यूस मिलना कम हो जाता है दूसरी जगह पे हम काटते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इडाहो इज द बिगेस्ट बैथोलिथ रॉक ऑफ, इडाहो जो बैथोलिथ होता है जो हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रॉक जो होती हैं, तो उनके अंदर जो ये बैथोलिथ जो मिलता है ये इंट्रूसिव फीचर होता है फ्रेंड्स हमारे जो रॉक फॉर्मेशन का, जो हमारे मतलब कि धरती के जो मेंटल के जो क्रस्ट के नीचे से जो ही जो लावा जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर ही जो बाहर नहीं निकल पाता और वो अंदर ही जम जाता है, तो ये जो बैथोलिथ जो फॉर्मेशन होती हैं उसके अंदर बनती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट की जब ग्रेनाइटिक लावा जो नीचे जगर दब जाता होता है, ये ग्रेनाइट ओरिजिन की होती हैं। तो इसके अंदर ये कहाँ पर हमें मिलता है, तो ये मिलता है हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर पॉलिटी पढ़ी है तो ये तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए बताना कि कौन सा इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी नहीं है। तो टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू डेवलप द साइंटिफिक टैमर, टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन एंड टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो यहां पर क्या है कि ये जो है टू डेवलप द साइंटिफिक टैमर टेम्पर, जो ये किसके अंदर आएगा फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर है ये किसके अंदर आता है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कि डीपीएसपीज हैं। डीपीएसपीज क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, जो मतलब कि गाइडलाइन देते हैं हमारे गवर्नमेंट को, जब मतलब जो सरकार अपने कोई भी कानून बनाने से पहले इन चीज़ों को इन गाइडलाइंस को ध्यान में रख के लोगों के हित में कानून बनाए। ठीक है, तो ये साइंटिफिक टेम्पर है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कि डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रेस्ट्रिक्टेड, इंडिया के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उससे बोला जाता है कि मतलब नहीं यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए या रोक देना चाहिए। क्यों, द जजेस आर ट्रांसफरेबल, क्यों जजेस की ट्रांसफर हो जाती है, या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम मानते हैं हम, या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम या लेजिस्लेचर सुप्रीम। तो हमारे यहाँ पे कोई भी सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम सबसे ज्यादा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसके अंडर ही हमारा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानने की वजह से इसको रोका जाता है। अब इसके अंदर पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है जो जुडिशियल रिव्यू की, वो कौन से, अगर जो हमारी ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है 226 और 227, ये किसको दी गई है, 226 और 227 याद रखना सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और जो हाई कोर्ट्स को दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट को किस में दी गई है, 32 और 136, 32 और 136 सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट्स को 226 और 227। ठीक है, तो ये इनको दी गई है स्टेट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग जुडिशियल रिव्यू की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कितने महीनों तक, उसे मतलब कि वो रह सकता है, बट उसके बाद में तो उसे चुनाव लड़ के जीत के ही आना पड़ेगा, तो वो है 6 महीने। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया बिकॉज ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन हो गई थी, हमने देखा था कि कर्नाटका वाली रीजन के अंदर वहाँ पे श्रीरामपुर जो जो एजिटेशन पे बैठ गए थे उनके लीडर्स, और उन्होंने बोला था कि उन्हें आंध्रा वगैरह को उनको अलग करना चाहिए या अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उनको रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेस पे होना चाहिए। तो ये हमारी जो हुई थी वो 1956 के अंदर हुई थी, जिसमें एक्ट पास किया गया हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का, और उसके बाद में इन्हें जो सभी स्टेट्स को जो है लिंग्विस्टिक मैनर में टाइम बाउंड में धीरे धीरे अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट इज द क्रीमी लेयर कंसेप्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन, क्रीमी लेयर जो कंसेप्ट आया है हमारा वो किसके ऊपर किसको रेफर करता है, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कास्ट, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, या द ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस। तो फ्रेंड जो क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट है ये ओबीसी क्लास के लिए आता है, जिसके अंदर जो बहुत ही अमीर ओबीसी हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर एजुकेशनल या प्रोफेशनल जो बेनिफिट दे रही है कि इतना तुम्हें कोटा मिलेगा या इतनी तुम्हें सीट्स मिलेगी या तुम्हारे जो क्रीमी लेयर में जो नंबर बढ़ा दिए जाते हैं हमारे पेपर के अंदर कि ओबीसी वालों के इतने हैं, या फिर वो तुम्हें नहीं मिलेगा कोई भी बेनिफिट, तुम जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये आता फॉर क्रीमी लेयर फॉर ओबीसी पीपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन इन द ऑप्शन,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था वो किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड था? कर्जन कमीशन की, साइमन कमीशन की, लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट या नन ऑफ द ब्लव? तो ये फ्रेंड्स जो हमारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट से ये इन्फ्लुएंस्ड था, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये आया था हमारा। इसके अंदर जो साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के यूके के अंदर, जिसके चेयरमैन कौन थे? उसके सर जॉन एलेसब्रुक साइमन थे, जिसको असिस्ट कर रहे थे क्लिमेंट एटली। जब फिर इसके बाद में, क्योंकि इन्होंने ही बोला था ना क्लिमेंट एटली ने ही, कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए 1934 में ही, और जब वो बाद में नहीं दी गई तो जब क्लिमेंट एटली जी की सरकार आई 1947 में, तो उन्होंने इंडिया को आज़ाद कर दिया। तो द आंसर इज साइमन कमीशन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे? तो इकोनॉमी पे ये फर्क पड़ता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग वो सिचुएशन होती है फ्रेंड जब हमारी सरकार का जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा हो गया होता है, और उनके पास जो रेवेन्यू, उनके पास जो पैसा आ रहा होता है वो बहुत कम पड़ गया। तो उस केस में सरकार क्या करती है, या तो मतलब और प्रिंट करेंसीज को आरबीआई को बोल देती है कि तुम और पैसे छापो, वो करती है, या फिर किसी बाहर वाली फॉरेन कंट्री से, जैसे हम आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से हम लोन उठाते, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ पे इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। बट ये ऐसा करती क्यों है सरकार जब महंगाई बढ़नी है? इसलिए करती है फ्रेंड कि या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसे मतलब उसने लगा लिए, या फिर उसने पब्लिक डेप्ट जो उसका जो पब्लिक वित्तीय जो घाटा है वो आ गया उसकी वजह से, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बाहर से फॉरन जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो उसको रिकवर करने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द इचिंग डिजीज स्केबीज इज कॉज्ड बाय विच फैक्टर? जो इचिंग डिजीज स्केबीज जो होता है, जिसमें इचिंग होती है हमारी बॉडी पे, वो किस फैक्टर्स होता है? तो वो फ्रेंड्स फंगस होती है उसके लिए जो इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज फैट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन इज कैरिड बाय विच पैक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे जो फैट डाइजेस्टेड होती है जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो एक म्यूकोसा होता है जो लाइन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकोसा होता है ये, इसके उसको कवर अप करते हैं, एक फिंगर लाइन पोजेशन होती है म्यूकोसा के अंदर, विली बोलते हैं जिसे। ये विली के अंदर क्या चीज़ होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लिम्फ कैपिलरीज होती है। ये ब्लड कैपिलरीज तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं, और फैट सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करती हैं लिम्फ कैपिलरीज। तो ठीक है, आपको याद रखना होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन टाइम में म्यूकोसा लाइंस होती है, म्यूकोसा से कवर्ड होती है, उसके ऊपर हमारी ये विलीज होती है, और उस विलीज के अंदर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज दो चीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज अगर पूछ लिया जाए तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ले जाती हैं, और जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा हैज डिस्कवर्ड द 8th प्लैनेट द सर्कलिंग द सन लाइक स्टार विच इज 25 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज? तो इसे बोला जाता है फ्रेंड्स केपलर 90i। ठीक है, द आंसर इज बी। The first museum incursion of Deccan occurred during the reign of which ruler? मतलब Deccan के अंदर हमारे जो दक्कन के अंदर जो इन्होंने चढ़ाई करी थी वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे? तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जो खिलजी डायनेस्टी से, दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपना जो स्टार्टिंग में ये क्या थे जलालुद्दीन खिलजी, ये ममलूक डायनेस्टी के अंदर एक ऑफिसर थे, फिर उसके बाद में अंडर द उसके बाद में ये इन्होंने ओवरटेक कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने रेड कहाँ पे करी थी? जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में इनके रिजाइन में इनके नेफ्यू थे, वो गए थे अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे? भिलसा 1293 के अंदर, और देवगिरी में 1296 में। तो 1293 और 1296 दो रेड थी इन्होंने साउथ में अलाउद्दीन खिलजी के उनके अंडर। ठीक है, भिलसा और देवगिरी के अंदर। द नेक्स्ट इज हु वाज द मेन मोटिवेटिंग फोर्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1900? जो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके अंदर सबसे मेन जो दोनों को इकट्ठा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? तो वो सभी को मालूम होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था ये इकट्ठा करने का काम, जो दोनों को इकट्ठा लेके आए थे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकॉनमी इन विच ईयर? इंडिया ने कौन से साल में मिक्स्ड इकॉनमी मींस कि हम एग्रीकल्चर पे नहीं, जैसे हमारी पहले जो प्री इंडिपेंडेंस जो थी पूरी एग्रीकल्चर इकॉनमी थी, हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे हमने बोला था कि सेकंड जो प्लान हमारा आया था उसमें इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया था, तो उसके बाद में हमने क्या किया था कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, जिसे बोलते हैं कि मिक्स्ड इकॉनमी को हमने अपनाया था। तो वो हमने अपनाया था बाय द इंडस्ट्री पॉलिसी 1940
1948, क्योंकि हमने तब वहाँ पे अप्लाई करी थी इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1948 हमने बना ली थी, जो किसने प्रेजेंट करी पार्लियामेंट के अंदर, इंडस्ट्री जो हमारे मिनिस्टर थे उस टाइम कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पार्लियामेंट में ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिखी थी और इम्पोर्टेंस बताई थी कि इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्पीड साउंड मैक्सिमम, किस मीडियम के अंदर स्पीड सबसे मैक्सिमम साउंड करती है, तो वो होती है सॉलिड के अंदर। तो अब इसमें सॉलिड कौन सा है, सॉलिड है हमारा वुड, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ अ साउंड है वो मूव करती है, ठीक है। द मर्करी बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय, मर्करी बैरोमीटर किसके द्वारा बनाया गया, तो मर्करी बैरोमीटर बनाया गया फ्रेंड टॉर्सली, ये इटली के फिजिसिस्ट थे, कब बनाया इन्होंने 1644 के अंदर, और उसके बाद में एनारॉइड बैरोमीटर बनाया गया था 1843 के अंदर, वो किसने बनाया था, लुसनविडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर, बिल्कुल लोवेस्ट टेम्परेचर जब कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है उसे क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर, वो इग्नाइट हो गया, वो जल गया, ठीक है, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स, कोबाल्ट 60 को रेडिएशन थेरेपी में यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ ये जो होता है ये इमिट करता है, ये गामा रेज को इमिट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ये गामा रेज, ठीक है। और ये रेडियो जो कोबाल्ट 60 एक रेडियो आइसोटोप है, ठीक है, ये आर्टिफिशली प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और ये यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के अंदर, रेडिएशन सोर्स ऑफ लेवलिंग डिवाइसेस को लेवल करने के लिए, पेस्ट इंसेक्ट स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये रेडिएशन सोर्स होता है फूड इरेडिएशन के लिए और ब्लड इरेडिएशन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है कोबाल्ट 60। तो बहुत सारे यूजेज आए हैं क्योंकि ये गामा रेज़ को एमिट करता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग वेज होती है, बहुत सटीक कार्य करती है। टू डीएनए स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय, जो दो डीएनए स्ट्रैंड जिन्हें डबल हेलिक्स बोलते हैं वो किससे ज्वाइंट होते हैं, तो वो ज्वाइंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो डिफरेंट पेयर्स ऑफ बेसिस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरनमेंट पोल्यूशन, सबसे मिनिमम एनवायरनमेंट पोल्यूशन कौन सा फ्यूल करता है, तो आपको पता होगा ये तो सारे पोल्यूशन करते हैं, कोल डीजल कार उसे नया कौन सा लग रहा है, हाइड्रोजन। अब ये क्यों नहीं करता पोल्यूशन, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि फ्रेंड जब ये फ्यूल जब बर्न होता है तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और पानी जब बाहर निकलेगा तो कोई भी हार्मफुल लोगों के लिए नहीं है क्योंकि वेपर्स, वो तो वेपर्स होते ही हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर, बाकी जो दूसरे फ्यूल्स हैं वो तो बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस को रिमूव कर दे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंट्रोल्ड कंडीशन नोन एज विच अमंग द गिवन ऑप्शन, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन को जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की होती है, जो एक कंडीशन की जाती है उससे क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं हम फ्रेंड्स कंपोजिटिंग, जैसे कंपोस्ट बनाई जाती है जो हमारा एक फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ये यूज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, ठीक है, ठीक है, जिन्हें अर्थवॉर्म्स वगैरह को हम रख देते हैं और फिर उसके ऊपर हम करते हैं, और या फिर कोई भी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे बोलते हैं कि पेड़ पत्तों को भी नीचे दबा के रख दिया जाए और फिर उनकी कंपोस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ट बाय द पिडमोंट ग्लेशियर, पिडमोंट रीजन होता है जैसे दो माउंटेन्स या वैलीज के बीच में जो एरिया होता है उसे पिडमोंट ग्लेशियर बोला जाता है। तो ये क्या होता है, एक्सटेंसिव शीट ऑफ क्रिस्टलाइन आइस फॉर्मड इन सम कोल्ड रीजन्स बाय ज्वाइनिंग टुगेदर द सेवरल माउंटेन ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर्स को आपस में ज्वाइन करके ये पिडमोंट ग्लेशियर बन जाता है। मैंने बताया आपको कि वो बीच में जो होता है दोनों के बीच में उसे पिडमोंट रीजन बोला जाता है। और ये अगर पूछा जाए कि ये इसका एग्जांपल कौन से, तो ये मालस्पीना ग्लेशियर है अलास्का में जो इसका पिडमोंट ग्लेशियर का एग्जांपल है। द नेक्स्ट इज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज नोन एज बाय गिवन वन, जो नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय बिल्कुल जो नॉर्थ में है हमारे हिमालय उन्हें क्या बोला जाता है, तो क्या सागरमठ, गुरु शिखर या शिवालिक या हिमाद्री, द आंसर इज हिमाद्री, ठीक है। इसी हिमाद्री वाली रेंज के अंदर ही सारे जो मेजर जो माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय की वो आ जाते हैं। इसी माउंटेन रेंज के अंदर ही जो बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स है, लाइक माउंट एवरेस्ट हैं, नंगा पर्वत है, और जो कंचनजंगा है, और जस्कर जो रेंज है, वो सारी इसी हिमाद्री के अंदर ही आते हैं। और इसी हिमाद्री के जो हैं इसकी जो एवरेज अगर हाइट पूछा जाए तो 6000 मीटर होती है इसकी। द नेक्स्ट इज बियॉन्ड फरक्का द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा फ्लोज इनटू बांग्लादेश बाय द नेम ऑफ विच वन, फरक्का से बाद में,
फड़क्का तक तो ये हमारी ठीक है इंडिया तक है, ठीक है, ये मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल कहते हैं वहाँ तक आती है। उसके बाद में जब ये बांग्लादेश में फ्लो होती है तो उसका क्या नाम हो जाता है हमारी गंगा रिवर का, तो उसका नाम हो जाता है फ्रेंड्स पद्मा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है हमारी गंगा की, और उसके बाद में ये आगे किसके साथ जाके मिल जाती है, मेघना रिवर के साथ मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाई गवर्नमेंट, मतलब किस साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया था, तो बहुत ही आसान सवाल है, इन 1949। और बना कब था ये, आरबीआई एक्ट 1934 से 1935 में 1 अप्रैल 1935 को ये इसका शुभारंभ हुआ था। उसके बाद में ये नेशनलाइज कब गया था, ये 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी नए साल के दिन नया बन गया था नेशनलाइजेशन 1949। नेक्स्ट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखा जाए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसे किस टर्म्स में देखते हैं हम, क्या हो जाता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर लेती है, ये नंबर ऑफ पीपल अबाउ द पावर्टी लाइन से हम हमारी गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं, नहीं, इसको काउंट किया जाता है बाय नेशनल इनकम की नेट आउटपुट, मतलब पूरे साल में नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज फ्लोइंग इन द ईयर, पूरे ईयर के अंदर कितनी ज़्यादा कमोडिटी और सर्विसेज फ्लोइंग इन द ईयर इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स, हमारे हाथ में कितनी नेट आउटपुट हुई है कमोडिटीज़ और सर्विसेज की, तो उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। द नेक्स्ट इज विच डेस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी, तो उससे बोला जाता है सिस्टम डेस्क। नेक्स्ट इज व्हाट डू द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आती है हमारी, तो मतलब ये होती है कि परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स, इफ वन हैज टू यूज अ केबल ऑफ ब्राउजिंग वेब इट विल रिक्वायर, अगर हमें वेब को ब्राउज करना है इंटरनेट चलाना है तो हमें क्या चाहिए, केबल मॉडम चाहिए और नेटवर्क इंटरफेस चाहिए, या दोनों ही चाहिए, फ्रेंड हमें दोनों ही चाहिए। व्हाट टर्म टैग मींस, सभी को पता होगा सोशल नेटवर्किंग साइट पे सब बहुत रहते हैं, फेसबुक पे टैग करते हैं सभी को, द आंसर इज लेबल फॉर इंडिविजुअल पोस्ट, अगर हमें लेबल करना हो हम अपने फ्रेंड्स को साथ में एड ऑन कर देते हैं उन्हें भी वो पोस्ट दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप अप From 3G network to higher communication technology is known as, जो नेक्स्ट स्टेप हुआ था 3G टेक्नोलॉजी 3G नेटवर्क टू हायर कम्युनिकेशन में, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, द नेम इज HSDPA, ये क्या है, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है। इसके अंदर ये थर्ड जनरेशन मोबाइल की जो है स्पीड को एनहांस करता है, डाटा स्पीड और कैपेसिटी क्या इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द कंट्री हैज़ वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन फुटबॉल थ्री टाइम्स जिसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल देता है, तो वो है कंट्री का नाम है हंगरी। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इन द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का नाम बताइए, द आंसर इज शेफील्ड एफसी, ठीक है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब, ये कहाँ का है, इंग्लैंड का है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट फुटबॉल क्लब था, ये कब बना था, 1857, याद रखिए हमारे रिवोल्ट के टाइम पे ये शेफील्ड फुटबॉल क्लब बन गया था, ठीक है। द नंबर सब्स्टिट्यूट्स लिमिट्स ऑफ द गेम ऑफ हॉकी, कितने सब्स्टिट्यूट्स रख सकते हैं हॉकी गेम के अंदर, तो 5, 7, 9 कितने भी रख सकते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हमारे एम्पायर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISP एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं वो ट्रैफिक जो होता है उनको कैसे उनको एक्सचेंज करते हैं, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से वो एक्सचेंज करते हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज यूज इन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर जो यूज़ की जाती है लैंग्वेज उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रेंड जावा, ठीक है। ये हमें जो ये जावा जो है ये सेकेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरेक्टिव वेज पेजेस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज बाय प्लेसिंग थिन फिल्म ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल बिटवीन द टू कंडक्टर्स वी कैन क्रिएट, जब एक थिन कवर हम कार्बन बेस्ड की थिन कवर जब दो कंडक्टर के बीच में रख देते हैं तो वो क्या LED टीवी बन जाता है, HD टीवी या प्लाज्मा टीवी या OLED, तो इससे बनता है फ्रेंड OLED, ठीक है। ये OLED टीवी होता है जो बहुत ही पतला सा होता है जिससे हमारी क्या होती है कि हमें इसे कोई बैकलाइट नहीं चाहिए होती, कोई फिल्टर्स नहीं चाहिए, इनमें इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं, इनफाइनाइट कंट्रास्ट, इसका मतलब बहुत बड़ी इमेज जूम अप करके आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं ये और बेटर ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग, अब ये ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होती है, ग्रीन कंप्यूटिंग होती है स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि फ्रेंड हमें जो ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल या इको फ्रेंडली यूज़ करना है कंप्यूटर का, इको फ्रेंडली यूज ऑफ कंप्यूटर
एंड देयर रिसोर्सेज. इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिजाइनिंग की, इंजीनियरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, यूजिंग की, डिस्पोजिंग ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब अब कंप्यूटर डिवाइस जो हैं उनको कैसे डिस्पोज है, जो हमारा ई वेस्ट है उसको कैसे हमने मतलब मैनेज करना है ताकि वो जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाए. ठीक है, अब देखते हैं कि ई वेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, मोबाइल फोन का यूज़ बहुत ज़्यादा, तो ई वेस्ट अब पता नहीं चलता कि उसको कैसे यूज़ करें. अब इनका अगर वो पुराना हो गया फ़ोन, कैसे हम उसको तोड़ के पत्थर मार के तो ख़त्म नहीं कर सकते, कहीं मिट्टी में नहीं दबा सकते, तो हम उसको कैसे उसको ई वेस्ट को हैंडल करें, तो इसके लिए होता है ग्रीन कंप्यूटिंग. द मोस्ट कॉमन स्मार्ट कार्ड हैज़ एबिलिटी टू फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो स्मार्ट कार्ड होता है वो उसकी फंक्शन क्या होता है, कंटेक्ट लेस सिक्योर माइक्रो कंट्रोलर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन. द आंसर इज बोथ ए एंड बी. द नेक्स्ट इज विच क्रिकेटर हैज़ ब्रोकन द फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड, तो इट्स ब्रेंडन एनसिकलम. ठीक है, तो इसे अपडेट कर लीजिए फ्रेंड्स, अभी कुछ और भी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट. हु इज़ द, आगे मैंने अपडेट कर लिया, सिर्फ ये एक ही रह गया, तो यू कैन अपडेट इट. विच इज़ द ग्रेटेस्ट बिलियर्ड्स प्लेयर वोन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, द आंसर इज पंकज अडवाणी. तो ये बहुत ही रिनाउंड जो हमारे प्लेयर हैं ऑफ बिलियर्ड्स एंड स्नूकर दोनों के, ठीक है, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2004 का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है 2006 का, और पद्मश्री से भी ये सम्मानित हो गए हैं 2009 के अंदर. तो बहुत ही रिनाउंड प्लेयर हैं. नेक्स्ट इज द एशियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप वॉन बाय, तो ये जो 2017 की थी, बट आगे मैं आपको 2018 का भी बता देती हूँ इनका रिकॉर्ड, कि इन्होंने MC मैरीकॉम ने एशियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी 2017 के अंदर 48 kg वेट के अंदर. किसको हराया था इन्होंने, नॉर्थ कोरिया. ये यूजफुल नहीं है, बट अब आपके लिए 2018 का यूजफुल है कि इन्होंने MC मैरीकॉम ने 2018 में फ्रेंड्स ये कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट के ऊपर अप्रैल के अंदर, उसके अंदर भी ये गोल्ड लेके आई हैं. तो मैरीकॉम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी जो गोल्ड लेके आई हैं अप्रैल में जो हुआ था, ये हुआ कहाँ पे था याद रखना, कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पे हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ लाला हरडोल इज प्रोमिनेंट टू विच ऑफ द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. लाला हरडोल की जो स्टोरी सुनाई जाती है, कहानियाँ सुनाई जाती है, वो कहाँ पे सुनाई जाती हैं, तो वो सुनाई जाती है फ्रेंड ओरछा में. अभी लाला हरडोल क्या थे, ये प्रिंस थे ओरछा टाउन के ऑफ टिकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के. ठीक है, और ये ओरछा क्यों फेमस, अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है, बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं. विच स्टेट अप्रूव द 7546 crore नर्मदा पार्वती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 2017 के अंदर, तो MP नर्मदा पार्वती पार नर्मदा आ गई तो मध्य प्रदेश. ठीक है, द क्यों था, बिकॉज इरीगेशन फैसिलिटीज मिल रही थी मालवा रीजन को, मालवा रीजन के लिए था ये, मालवा रीजन को इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लिंकअप किया गया था. द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश शेयर्स मिनिमम बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मिनिमम बाउंड्री हम किसके साथ, हम बताएं कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी से सटे हुए हैं, मिनिमम बाउंड्री हमारी किसके साथ है, गुजरात के साथ है, और मैक्सिमम बाउंड्री वो भी पता होना चाहिए, यू हैव टू नो, यू गेट टू नो. विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ट्री इजी सवाल है, बनियान ट्री, ठीक है, बरगद का वृक्ष. नेक्स्ट इज हु कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो स्टेट जो स्टेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, क्या वो सर्विंग या प्रेजिडेंट जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, क्या वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट का जज, द आंसर इज फॉर्मर. ठीक है, जो फॉर्मर जो पहले रह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो वो चीफ होते हैं. ठीक है, अब ये किसके द्वारा, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन द्वारा इन्हें बनाया जाता है, तो वो कमेटी का भी आपको बताना चाहिए. उसमें CM होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं उसके अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्पीकर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के और चेयरमैन होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के. तो ये सारे मेंबर्स मिलके हमारे अपॉइंट करते हैं किसको, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बंदे को. नेक्स्ट इज नेशनल ह्यूमन कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, तो वो दोनों को करती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को, वहां पे उनके लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट दोनों को ये भेज दी जाती है. वाई द SC ST एक्ट 1989 डज नॉट एक्सटेंड टू जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर एक्सटेंड क्यों नहीं, बाकी सारे स्टेट में क्या बुरा कर दिया बेचारे जम्मू कश्मीर वालों ने, बुरा ये कर दिया गया कि यहां पे स्पेशल स्टेटस दिया गया जम्मू कश्मीर को, जो आर्टिकल 370 है जिसे हटाने की मांगे बहुत बार उठ चुकी है, बट ये ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए कोई भी एक्ट वहां पे सीधा पास नहीं हो सकता, वहां की स्टेट गवर्नमेंट जब अलाउ करती है तो ही कोई एक्ट वहां पे जो हमारा सेंट्रल है वो बनता है. नेक्स्ट इज अंडर द SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शेल कम अंडर द परव्यू ऑफ, किसके परव्यू में आते हैं शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 366 याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स आर सिचुएटेड इन MP आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम,
तो कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे एमपी के, जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट के अंदर डाला गया है? तो नंदा देवी ये हमारे एमपी में नहीं है, दंडकारण्य ये भी हमारे एमपी में नहीं है। तो हमारे एमपी में कौन से हैं? पचमढ़ी और अमरकंटक, इन दोनों को डाल दिया गया है। एक जो है पन्ना, जिसे नहीं डाला गया है। और अगर पूछा जाए अगर वर्ल्ड के प्रस्पेक्ट में, तो हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और उनमें से 11 अभी लेटेस्ट जो आया है, जो लेटेस्ट अभी जो इंक्लूड होता है 2018 के अंदर ही, अप्रैल मई में, नहीं सॉरी अगस्त राउंड में, वो कौन सा है? इट्स कंचनजंगा। कंचनजंगा 11th जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को की लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, जो कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हाइएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द वर्ल्ड है, बहुत हाइट पे है ये, ठीक है, जिसे ऐड ऑन किया, और ये 11वां है, लास्ट है। और हमारे इंडिया में टोटल कितने हैं? 18 हैं, जिसमें से 11 जो है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर है। अगर पूछा जाए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने हैं, तो वो 651 है 120 कंट्रीज़ में। तो इतना नहीं पता, बट इतना कम से कम अभी जो लेटेस्ट है वो तो पता होना चाहिए। लास्ट कौन ऐड हुआ है? 11वां कौन है? कंचनजंगा, जो कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट इज रिट्राइवल मॉनसून इन द एमपी। इन रिट्राइवल जो मॉनसून होते हैं उन्हें एमपी में क्या बोला जाता है? तो उन्हें जो सर्दियों में बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं? मावठा बोलते हैं। द जलियांवाला बाग ऑफ एमपी called the place among the which option, मतलब जलियांवाला बाग ऑफ एमपी, मतलब जो जलियांवाला बाग पंजाब में हुआ था, जलियांवाला मेस करे, तो वो एमपी में जो हुआ था उसी की तरह, मतलब उन पे गोलियां चला दी गई थी और कुछ 6-7 लोग वहां पे घायल हो गए थे, तो उसे क्या बोला जाता है? इट्स चरण पादुका। उसे चरण पादुका जो हुआ था इन चरण पादुका जो ग्राम के अंदर हुआ था, छतरपुर स्टेट के अंदर, छतरपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एमपी के, तो इसके लिए लोगों पे फुल खुली फायरिंग कर दी गई थी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट फ्लैग सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द प्लेस। इंडिया का पहला फ्लैग सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड वो हुआ था जबलपुर के अंदर, जिसमें से जो भाग लिया था पंडित सुंदरलाल जी ने भी, जिन्हें 6 महीने की कैद भी इसके अंदर हुई थी। द नेक्स्ट इज बुंदेला रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर। बुंदेला की जो रिवोल्ट हुई थी वो कब हुई थी? वो 1842 के अंदर हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्यों हुई थी ये रिवोल्ट? क्योंकि जो रेवेन्यू पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स की, वो अच्छी नहीं थी, मिडलमैन थे, लोगों पे कर्जा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बुंदेला ने विद्रोह किया था। और ये किसने किया था? मधुकर शाह और जवाहर सिंह ने 1842 में इसमें रिवोल्ट किया था, और फिर बाद में मधुकर शाह को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फांसी लगा दी गई थी। नेक्स्ट इज ग्रेट मार्टियर चैन सिंह छत्री इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। ग्रेट मार्टियर जो शहीद हुए थे चैन सिंह, उनकी जो छत्री है वो कहाँ पे है? तो वो फ्रेंड्स हैं हमारे सीहोर के अंदर। ये थे प्रिंस थे नरसिंहगढ़ के, और इन्हें मंगल पांडे ऑफ एमपी भी बोला जाता है, याद रखने की ज़रूरत है। चैन सिंह को मंगल पांडे ऑफ इंडिया, मंगल पांडे ऑफ एमपी भी बोला जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द SC/ST एक्ट 1989 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन 366 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन MP? 4709 किलोमीटर। द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश वाज टुक प्लेस विद द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये सिर्फ MP नहीं, सभी इसी की वजह से हुए थे। अफजल अली कमीशन जो था उससे ये जो सेपरेशंस तो जी वो स्टेट के अंदर थी। ये अफजल यहाँ पे जस्टिस फजल अली, और ये तीनों की जो ट्रिनिटी थी, फजल अली, KM पनिकर, के हृदयनाथ कुंजरू, इनकी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जिससे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 के अंदर। तो तीनों के नाम पता होना चाहिए आपको। 50th डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली वाज सेपरेटेड फ्रॉम, जो हमारा 50वां डिस्ट्रिक्ट बना था सिंगरौली, वो किससे सेपरेटेड हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड सीधे से सेपरेट होके बना था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वाज द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ द MP? तो इट्स उमा भारती। ग्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? इंटरनेशनल डे जो एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए बनाया जाता है, कि किसी से भेदभाव नहीं हो, रंग भेद ना हो, तो उसके लिए जो बनाया जाता है वो 21 मार्च को बनाया जाता है। हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर को किसने इन्वेंट किया था? इट्स नरेंद्र कप्पानी ने इसको जो बनाया था, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? ड्राइंग ग्लास या सिलिका की बनी होती है, और ये बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि ट्रांसमिट लाइट को करती है एक एंड से दूसरे एंड के लिए, इसके अंदर बैंड भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? तो ये हमारे पिछले टेस्ट में आपने कवर अप किया है, इट्स CD देशमुख। अगर पूछा जाए कि जो यहाँ पे पूछा गया इंडियन, अगर वैसे फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए तो वो कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नैम नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट हुई थी वो इंडिया के अंदर, जो कौन सा नैम हुआ था? वो हुआ था 7th, जो हमारे न्यू दिल्ली में बनाया गया था, और वो कब था? 1983 के अंदर था।
ठीक है, क्योंकि नैम के हम बहुत फोर फाउंडर रह चुके हैं, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कब बनाया गया था। और ये कब बनी थी नैम ये भी पता होना चाहिए, वो कब बने थे 1961 के अंदर ये बनी थी, कब बन कहाँ पे बनी थी, बेलग्रेड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया विल सेटअप द वर्ल्ड फर्स्ट IT कैंपस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। IT कैंपस बनाया जो जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई उन्हें कुछ पूरे तरह से सक्षम नहीं होते, उनके लिए एक IT कैंपस बनाया गया, वो कहाँ पे बनाया गया, तेलंगाना इन हैदराबाद, ठीक है। ये कब बनाया गया, ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे। अब पूछा जाए वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब होता है, तो ये 3 दिसंबर को होता है, ठीक है, ये उस दिन बनाया गया था ताकि उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की फॉर डिसेबल्स के डिसेबिलिटीज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द स्टेट ट्रीट हेपेटाइटिस सी विद ओरल मेडिसिन। हेपेटाइटिस सी पेशेंट को ओरल मेडिसिन से कौन सा स्टेट ट्रीट करेगा, दैट इज आंसर इज हरियाणा। इनमें ओरल मेडिसिन दी जाएंगी हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए, और ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग विंड फार्म वॉज टेकन इन द सीज इन कंट्री 2017 के अंदर। वर्ल्ड जो फ्लोटिंग विंड फार्म कहाँ पे लगाया गया, तो वो लगाया गया स्कॉटलैंड के अंदर। इन इट्स एफर्ट टू मेक अ लीगल एड इजिली एसेसिबल टू मार्जिनाइज कम्युनिटी, ताकि हम जो कानूनी जो सेवाएं हैं जो हमारे मार्जिनाइज कम्युनिटी होती हैं, जो SC ST वगैरह हैं या सिटीजन या गाँवों में रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उनको तक प्रोवाइड करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई थी, तो उसका क्या नाम है, वो तो उसका नाम है फ्रेंड टेलीला से वो लॉन्च हुई थी, इट्स जिसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमन हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सीज। मतलब ये जो हमारा जो UN क्लॉज होता है जिसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, उसके ऊपर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है उससे बोला जाता है दिस IT लॉज। और ये कौन बनी थी हमारी, नीरू चड्डा जी बने थे हमारे इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट इज द विच अमंग द फॉलोइंग स्टेडियम ऑफ MP's मल्टीपर्पज स्टेडियम। मल्टीपर्पज स्टेडियम कौन सा है हमारा MP के अंदर जो स्टेडियम है, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स संत हेटोबे स्टेडियम। और बिकॉज क्योंकि स्टेडियम में बेस है हमारा बॉक्सिंग अकेडमी का भी, स्टेट मैंस हॉकी अकेडमी, स्टेट इक्विस्ट्रेरियन अकेडमी, स्टेट शूटिंग अकेडमी, स्टेट वाटर स्पोर्ट अकेडमी, तो इसलिए इसे मल्टीपर्पज स्टेडियम बोला जाता है। नेम द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ऑफ द ब्रदर ऑफ मेजर ध्यानचंद हेल्स फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। जो मेजर ध्यान चंद के जो भाई थे जो MP से थे, वो कौन है जो जबलपुर में रहते थे, इट्स रूप सिंह। तो रूप सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे 1932 और 36 में, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल्स यहाँ पे जो हमारे जो जीते थे वहाँ से ये इंडिया की टीम के मेंबर थे ये। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय द MP आर्चरी अकेडमी इन 10th मिनी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2017 इन विजयवाड़ा, इट्स 3 गोल्ड एंड 5 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच 6 लेन 300 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे विल बी बिल्ड विद द असिस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 6 लेन 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है फ्रेंड चंबल पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये चंबल रिवाइन की वजह से ये कनेक्टिविटी से टूटा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चंबल रीजन में हमारा एक्सप्रेस वे बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया, जिसमें अंदर 50% तो लैंड ओन्ड है हमारी गवर्नमेंट की, उसके बाद में कुछ और ली जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस वे है जो MP को कनेक्ट कर देगा UP और राजस्थान के साथ, ठीक है। तो बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017। और जो कौन ग्लोबल और पूछा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर रैंक थी हमारी 60, कब थी 2017 के अंदर। अगर अब पूछ लिया जाए कि 2018 के अंदर हमारी रैंक इसके अंदर क्या रही है, तो हमारी 2018 के अंदर जो रैंक है 57 इंक्रीज हो गया, 3 नंबर हम बढ़ा तक ले लिए हमने, तो आंसर है 57, 2018 के लिए 57, अगर 2017 के लिए तो 60। नेम द नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन अप्रूव्स कितने प्रोजेक्ट, गंगा क्लीन के लिए कितने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, 10 प्रोजेक्ट अप्रूव किए, जिसमें 8 जो प्रोजेक्ट हैं वो सीधे ही सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट के लिए हैं, बाकी 1 जो प्रोजेक्ट है वो नॉलेज सेंटर और 1 जो प्रोजेक्ट है वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए दे दिया गया, ठीक है। अपर लेक बोल्ट क्लब नोन एज एडवेंचर स्पोर्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड एट, जो अपर लेक बोल्ट क्लब जो है
वो एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। वो कहाँ पे है? वो है भोपाल के अंदर, आपको आसानी से ही लग जाए क्योंकि लेक हमारे एक भोपाल में ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसे ये जो है वर्ल्ड फिफ्थ मिड सिटी आर्टिफिशियल लेक है हमारे भोपाल के अंदर, मिड सिटी आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। टू ऑनर एंड मोटिवेट द इंटरनेशनल मेडल विनर, जो इंटरनेशनल मेडल विनर जो अलग अलग ओलंपिक्स वगैरह में मेडल लेके जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने उनके लिए एक अवार्ड लॉन्च किया था, उसे बोलते हैं स्पेशल अवार्ड। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? 50 लाख रुपये दिए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, रेरा, जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन द एंटायर स्टेट इन 2017, तो वो कौन सा रेरा इंट्रोड्यूस करने वाले? एमपी ही था। द वर्ल्ड बैंक हैज अग्री टू प्रूव लोन टू अमंग द फॉलोइंग सोलर प्रोजेक्ट इन एमपी, जो एमपी के अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसके लिए वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया था। वो कहां पे लगाया गया था? वो रीवा के अंदर लगाया गया था। इससे क्या, हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, और हम वो जो पावर देने वाले थे वो किसको देने वाले थे? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को देने वाले थे, है मतलब कि सीआईडीसी ऑफ नीति आयोग हैज कंफर्म द नाइथ विश्वकर्मा अवार्ड टू विच वन यूनिट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। सीआईडीसी जो है उसके नीति आयोग ने किसके लिए, मतलब ये जो सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसको किसके लिए दिया? मध्य प्रदेश के हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को ये जो विश्वकर्मा अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फुल लेंथ एंड आई थिंक यू लव इट। द नेक्स्ट अवर पार्ट इज मध्य प्रदेश जीके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक आपने सभी में पढ़ा होगा, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टार्ट करें, तानसेन टॉम इज सिचुएटेड एट, द आंसर इज कानसेन की मकबरा कहाँ पे है? तो इट्स ग्वालियर के अंदर है। रानी अवंतीबाई कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो रानी वंती रामगढ़ सतना रीवा गुना, दो शी बिलोंग्स टू रामगढ़। बर्थ टाइम एंड प्लेस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, कहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था और कौन सी प्लेस पे हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखना होगा, थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल लगेगा। 24 जुलाई 1906 झाबुआ, झाबुआ से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं। राइस रेवोल्यूशन बिलोंग्स टू द प्लेस, राइस रेवोल्यूशन चावल की जो रेवोल्यूशन हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो आंसर इज बी द रीवा। चरण पादुका मैसेक्र बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने अभी बता दिया है आपको पहले, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में था ये, और इसके अंदर इसको कमांड करने वाले जनरल कौन से थे? फिशर, फिशर ने आदेश दिया था कि गोली से उड़ा दो। द नेक्स्ट इज ह्यून सांग वंडर्ड विच प्लेस इन एमपी, ह्यून सांग कौन से प्लेस पे आया था एमपी के अंदर? तो वो महिष्मति जो स्टेट है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था। मेहसा ने बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने यहाँ के बारे में, त्रिपुरी इज द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर, त्रिपुरी कौन सी एम्पायर की कैपिटल बोली जाती है? तो इट्स बिलोंग टू कलचुरी। नेक्स्ट इज स्वामी ज्ञानानंद बिलोंग्स टू द एरिया, जो स्वामी ज्ञानानंद है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रीवा, भोपाल, रतलाम, नीमच, तो वो बिलोंग करते हैं रतलाम। इन्होंने ही जो रतलाम के लोगों को नेशनल मूवमेंट करने के लिए उकसाया था कि आप कीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज एरन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द किंग, जो एरन के अंदर शिला लेख हैं वो किससे रिलेट हैं? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, द आंसर इज समुद्रगुप्त से रिलेट करते हैं। लॉर्ड परशुराम फादर नेम इज जयदेव, जमदग्नी, जमगद या कदम्बिनी, द आंसर इज जमदग्नी, जिनके नाम पे ही हमारे महू का नाम बड़ा जानापाव, ठीक है, जिसे भी नहू बोला जाता है तो वहां पे जानापाव, जानापाव पहाड़ी भी है वहाँ से। द किंग्स एट द टाइम ऑफ बुद्धिज ईरा के टाइम पे जो जो राजा थे, द चंद्रप्रदोत, कलचूरी, चंदेल या पलक, द आंसर इज ए एंड डी, चंद्रप्रदोत और पलक उस टाइम पे बुद्धिज ईरा के राजा थे, जो किससे बिलोंग करते थे? अवंती महाजनपद से। नेक्स्ट इज नियोलिथिक एज रिमेन्स फाउंड एट, जो नियोलिथिक एज है नवपाषाण युग है उसके जो टाइम के जो रिमेन्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? एरन, दमो, चटकरा या कुंदम, तो ये हमें सब जगह पे मिलते हैं। और भी जो हैं जहाँ पे हमें नियोलिथिक एज के रिमेन्स मिलते हैं, ये बहुलई, नंदगांव या होशंगाबाद, ये सभी इन जगह पे अगर पूछा जाए ये सारे ही वो प्लेसेस है जो आपको याद रखने हैं। नियोलिथिक एज के लिए कुछ भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं मोस्टली। आदमगढ़ इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, आदमगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, रायसेन, द आंसर इज बी, दैट इज होशंगाबाद। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद। ये मिडिल स्टोन एज से बिलोंग करता है, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन भी हमें मिला था, यहाँ पे जो केव पे मतलब अंदर गुफाओं के अंदर जो शिला लेख थे, जो अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी वो भी हमें मिलती हैं, जो पाषाण काल के जो लोग थे। और फिर जो सी जो यहाँ पे उज्जैन है वहाँ पे जो अगर पूछा जाए कि यहाँ से कौन सी ये यहाँ पे कौन सा प्लेस आता है, यहाँ पे कायथा आता है जो कोपर एज से बिलोंग करता है। और कायथा में क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ ब्राह्मीर,
डी रायसेन में क्या आती है, भीमबेटका केव्स आती हैं, ठीक है। इसमें कितनी गेम्स हैं, 500 से ज़्यादा हैं, बट अब कुछ कम रह गई हैं, एट विंध्याज माउंटेन, और भीमबेटका है विंध्याज माउंटेन रेंज में। नेक्स्ट इज मेगालिथ आर फाउंड एट, मेगालिथ मतलब एक बड़ा सा पत्थर कब्र के पास खोज रख दिया जाता था, ठीक है, और या फिर छोटे छोटे पत्थर को रख दिए जाते थे, तो उन वो कहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर ऐसी मतलब जो कब्रें हैं कहाँ पर मिली हैं, ग्वालियर, शिवनी, रीवा और धार। द आंसर इज शिवनी और रीवा के अंदर। नेक्स्ट इज रीवा सतना एरिया एक्सकेवेशन डन बाय, जो रीवा सतना एरिया की जो एक्सकेवेशन थी वो किसने करी थी, जी आर शर्मा, वाकनकर, एच डी सांखलिया या मैक ब्राउन। द आंसर इज ए जी आर शर्मा, और जो बी थे वाकणकर थे उन्होंने चंबल वैली की खोज करी थी, और जो एच डी सांखलिया और मैक ब्राउन थे इन्होंने नर्मदा वैली की खोज करी थी। नेक्स्ट इज वाल्मीकि आश्रम सिचुएटेड ऑन द रिवर, वाल्मीकि आश्रम कौन सी रिवर पे था, नर्मदा, तापी, टोंस और माही। द आंसर इज सी, जो रामायण एज के अंदर जिसे तमसा बोला जाता था, यहाँ पे लवकुश का जन्म भी हुआ था, और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट इज एंशंट नेम ऑफ रीवा, रीवा का एंशंट पुराना जो पौराणिक नेम था वो क्या था, अच्छा रहा, बथा, तुंडीकर या विराटपुरी। द आंसर इज बी भथा, भथा बोला जाता था फॉर रीवा को। अंश जो ये अंशहरा है वो सतना को बोला जाता था, और तुंडीकर है वो दमोह को बोला जाता था, और विराटपुरी जो नाम है वो सुहागपुर का था। और भी मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, वत्स ग्वालियर को बोला जाता था, अनूप फॉर निमाड़, दर्शान फॉर विदिशा, और चेदी का नाम था खुजरा, जो चेदी था वो खुजराव के लिए डिनोट किया जाता था। नेक्स्ट स्टेट ऑफ एमपी फोर्ट फॉर पांडवाज इन मध्य महाभारत, महाभारत की लड़ाई के अंदर पांडवों की तरफ से जो एमपी की जो स्टेट्स लड़े थे कौन कौन से थे, वत्स, चेदी, मत्स्य, अवंती। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बट कोशिश कीजिए करने की। द आंसर इज ए बी सी, अवंती नहीं है इसके अंदर, पांडवों की साइड से जो लड़े थे, आपको याद रखने होंगे फ्रेंड, बहुत ही ज़रूरी है ये करने, बहुत बार क्वेश्चन आ भी जाता है, वत्स, चेदी, मत्स्य है, उसके साथ में काशी, कौरुष, दर्शान, और जो कौरवों की साइड से लड़े थे उनमें थे भोज, अथंक, विदर्भ, निषाद और वृष्णि। चलो आपके लिए आसान कर देते हैं इसको याद करना। आई हैव अ ट्रिक टू लर्न, ट्रिक है आपके लिए कि जो पांडवों के साइड से लड़े थे उसको आप याद रख सकते हैं, वत्स, अरे यो वत्स, जैसे सिंपली द वत्स कैसे मत्स्य दर्शन करके चले, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको इससे जो हमारे जो स्टेट्स बनेंगे कौन से, वत्स कैसे से काशी, मत्स्य से मत्स्य, दर्शन से दर्शान, सिंपल, करके से कारुष, और चले से चेदी। तो थोड़ा याद हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा आपसे याद करना, इट्स माय ट्रिक, ये मैंने ही बनाई है आज आपके लिए बैठ के। कौरवों की साइड से जो लड़े थे इट्स, उसको आप याद से रख सकते हैं, महिलाई, महिलाएं, अभी, जैसे अभी बोलते हैं ना, अभी, अभी के लिए थोड़ा सा याद कर लिया, महिलाएँ अभी भोजन बना के थक गई विदाउट निशा सहानी। तो जो मन बना के जो है उसको, उसका कुछ मतलब नहीं है, गई का भी कुछ मतलब नहीं है, बट महिलाएं का बहुत अच्छा मतलब, महिलाएं से महिष्मती, अवि से अवंती, भोजन से भोज, थंक, थंक जो है उसका आप ATH ले लीजिए, अथंक, अथंक से अथंक, और विदाउट से लीजिए विदर्भ, ठीक है, निशा से निषद, और सहानी से आपको याद रखना होगा वृषानी, ठीक है, वृषाणी, ठीक है। तो ये आपके सारे, इस वजह से, इस तरह से आपको एक बार बस इसको पढ़ लीजिए, दो बार इसको पढ़ लीजिए, आपको सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। एक लाइन, वत्स कैसे मत्स्य दर्शन करके चले, महिलाएं अभी भोजन बना के थक गई विदाउट निशा सहानी, ठीक है, तो यू हैव टू लर्न इट। सो नेक्स्ट टटना 19 इज शक्कारी टाइटल बिलोंग्स टू, शक्कारी ने, शक्कारी नाम का टाइटल किसने अपने आप को दिया था, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या अशोक। तो ये टाइटल जो था तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से रिलेट करता है क्योंकि इन्होंने शकों के एम्पायर का अंत कर दिया था। ये किसमें लिखा गया है, देवी चंद्रगुप्तम के अंदर भी इसके बारे में लिखा गया। ओलिकर एम्पायर इज सिचुएटेड इन, ओलिकर एम्पायर कहाँ पे था, तो वो था मंदसौर के अंदर, जिसे दशपुर भी बोला जाता है। 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 9 जो रतन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वो कौन थे, कालिदास, वराहमिहिर, शक और शनपक, तो वो कौन से थे, ये सभी थे। उसके अलावा, 9 के अलावा जो बच गए वो कौन थे, बेताल भट्ट, धनवंतरी, अमर सिंह या घटपर, ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज 22nd, एट द टाइम ऑफ 1857 रेवोल्यूशन, किंग्स ऑफ सिंधिया इन ग्वालियर, 1857 की रिवोल्ट जब हुई थी,
तब सिंधिया के जो किंग थे ग्वालियर के अंदर वो कौन थे? द आंसर इज बी जिवाजीराव सिंधिया। और जो 1731 में सी जो रानोजी थे वो 1731 में बने थे और महाजी थे वो 1761 के अंदर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स शेख रमजान टेक द कमांड ऑफ द एरिया इन 1857 रेवोल्यूशन। शेख रमजान ने जिस एरिया की कमांड संभाली थी 1857 की रेवोल्यूशन में वो कौन सा एरिया था? मंडला, इंदौर, सागर, खरगोन। द आंसर इज सी सागर। और जो यहाँ पे थे मंडला से वो शंकर शाह थे और इंदौर के थे शहादत खान और जो खरगोन से थे वो टंट्या भील कर रहे थे। और भी याद अगर आप रानी लक्ष्मीबाई कालपी ग्वालियर से थी और राजा ठाकुर प्रसाद जो थे ये राघवगढ़ से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, उसे लीड कर रहे थे जबलपुर झंडा सत्याग्रह, तो आपको पता होना चाहिए। द आंसर इज डी 1923। और ये कहाँ पे हुआ था? ये जो सी जो है हमारा 1939 के में क्या कुछ हुआ था? त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कांग्रेस की जो त्रिपुरी में हुई थी उसके अंदर। और यहाँ पे जो जबलपुर जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसमें किसने पार्ट लिया था? सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल जी ने, जिन्हें 6 महीने के कैद होकर हमने पढ़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान है उसमें और नरहरि अग्रवाल ने भी भाग लिया था, ठीक है। और इसके बाद में ये नहीं था कि सिर्फ ये एक है, उसके बाद में दोबारा हुआ था जब यहाँ से प्रेरणा लेके फिर ऑल इंडिया लेवल पे भी हुआ था और फिर यहाँ पे जबलपुर में भी दोबारा से हुआ था। नेक्स्ट इज प्रज्ञा परिषद फाउंडेड ऑन, दिस इज अ वेरी लास्ट क्वेश्चन। प्रज्ञा परिषद कब बनाई गई थी? 30, 31, 35, 16। द आंसर इज सी 35। कहाँ पे बनी थी? रतलाम के अंदर। 1930 में क्या हुआ था हमारा, क्या मूवमेंट हुई थी? फॉरेस्ट रेवोल्यूशन। 1931 में क्या हुआ था यहाँ पे? चरण पादुका छत्रपुर संग्रह जो हमने पढ़ा था। और डी 1916 में क्या हुआ था? ये शिवनी रेवोल्यूशन हुआ था जो फर्स्ट ऑफ द स्टेट माना जाता है कि ये रेवोल्यूशन सबसे पहले ही जो हमारे स्टेट के अंदर सबसे पहली रेवोल्यूशन थी, फर्स्ट ऑफ द स्टेट। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट पेपर 4 और अब है आपके लिए पढ़ने का कार्य। आपको करना होगा टेस्ट पेपर 5 का सिलेबस। ऑन मंडे ये होगा 19 नवंबर, शाम तक ये अपलोड हो जाएगा। इसमें होगी ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपको करनी है, द अर्थ अवर हैबिटेट, और क्लास 7 की ज्योग्राफी आवर हैबिटेट ये कंप्लीट करनी है। आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आते भी होंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स फॉर स्टे कनेक्टेड। प्रेस बेल आइकन फॉर गेट नोटिफिकेशन और कमेंट फॉर द फीडबैक। अपने कमेंट जरूर डालिएगा। लाइक टू appreciate the effort and share for helping to others. Thank you. Bye-bye. Jai Hind, Jai Bharat.